Hey guys, आज मैं आपको बताऊंगा कि SSB का जो अभी वैकेंसी फिलहाल चल रहा है 181 पोस्ट के लिए, उसका मैं आज कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इसका सिलेबस क्या है। ओके तो सबसे पहले मैं इसमें ये बता दूं आप लोगों को कि इसमें दो पेपर का एग्जाम होगा। ओके आपका एक होगा पेपर वन और एक होगा पेपर टू। पेपर वन और पेपर टू, तो पेपर वन के अंतर्गत आपका जीके आता है, फिर आपका जनरल इंग्लिश और हिंदी आता है, जनरल इंग्लिश और हिंदी, और फिर रीजनिंग आता है और मैथ। ओके हाँ, तो ये जो हुआ ये पेपर वन के अंतर्गत हुआ, ठीक। अब पेपर टू के अंतर्गत क्या क्या आता है? पेपर टू के अंतर्गत प्रेसिस आता है, कॉम्प्रिहेंशन, लेटर और एसे। ओके हाँ, तो पेपर वन तो जो भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो इजी रूप में कर लेंगे, बट यहाँ जो पेपर टू है, पेपर टू में प्रेसिस क्या होता है? प्रेसिस का मतलब ये होता है कि संक्षिप्त, यानी कोई भी लंबा सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसको आपको छोटा में लिखना है। ओके और फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब गद्यांश हो गया, आपको एक कहानी टाइप का लिखा हुआ मिलेगा, उसी से कुछ कुछ क्वेश्चन देगा, वही क्वेश्चन को आपको उस गद्यांश से छांट के उसका आंसर लिखना है। और तीसरा आपका हो गया लेटर। लेटर तो आप लोग जानते होंगे, पत्र, पत्र लेखन जो होता है, आप लोग अपने कॉलेज में या फिर सरकारी पत्र, बहुत सारे पत्र होते हैं, तो वो पत्र लिखूंगा। और ऐसे ऐसे मतलब हो गया निबंध। हाँ, तो ये चारों चीज जो है आपका 25 25 25 25 का रहेगा, यानी 100 मार्क्स का। ये भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा, ये भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए भी आपको 2 घंटे मिलेंगे, इसके लिए भी आपको 2 घंटे मिलेंगे। ओके और अब यहाँ पे बात सामने आती है जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला बात है कि मेरिट किस पे बनेगा। तो मैं बता दूं आपको, ASI और हेड कांस्टेबल, ये दोनों का मेरिट पेपर वन और पेपर टू को ऐड करके बनेगा। ASI और हेड कांस्टेबल का पेपर वन और पेपर टू को ऐड करके, लेकिन बाकी सारे जितने भी पोस्ट है उसका सिर्फ पेपर टू पे बनेगा। ओके तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कहीं भी आपको कोई भी नीचे कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू। और हाँ, इसमें जो आपका ये लेटर और ऐसे आएगा, ये दोनों जो 25 25 मार्क्स का आएगा, इसे आप हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो, बट ये आप प्रेसिस और कॉम्प्रिहेंशन को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही लिख सकते हो। ओके तो लेटर और ऐसे आप हिंदी में भी चूज कर सकते हो, इंग्लिश में भी चूज कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है।